तो भाई अभी हम लोग आए थे हजारीपाड़ में, आज 29 मार्च शाम के 4:30 बजे और हम हजारीपाड़ में आए थे। हजारीपाड़ से हमारा संडल आज जय माता दी धूमल अपनी कल का ही काम है। शार्पी नीचे की शार्पी निकाल दी 4 साइड से, बाकी यहाँ पे चादर की तरफ भी चढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो ये कल वाला ही ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ और कल 30 जनवरी यानी 30 मार्च यानी रामनवमी, वो भी इसी में आ जाएगा पार्ट में अलग अलग। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं कंटिन्यू ब्लॉग एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है। तो अभी हम लोग आए थे हजारीपाड़ में और भैया हमारी पहचान के बहुत पहचान के हर बार कमेंट आती है भैया मुझे, बाकी सब जन बैठे हैं। आप कब लोग आए भैया? ये हमारे समीर मास्टर, राशा मास्टर। काय के लिए थैंक यू? मेरे कमेंट पे ब्लॉग बनाने के लिए थैंक यू। ऐसा तो बन ही रहा था ना, मैं आ रहा था तो कंटिन्यू किया ना, मैं आया तो बाकी कल वाला काम है, कल जुवाड़ी में था वैसे। इधर हमारे मास्टर लोग आयुष भैया, आस्तिक मामा, इनका नाम बताने की जरूरत नहीं है, कहीं अगर मारा मारी होती है तो इनका नाम निकलता ही। क्या हो गया? मैटर हो गया तो ये मैटर ये हो जाता वहाँ पे, ये हो जाता वहाँ पे। अक्षय भैया भी हंस रहे थे, अक्षय भैया को इन्हें एक बात बताई तो हाँ देखो हो गया मैटर, चलो हो गया मैटर। ए गाड़ी की पूजा वगैरह चालू इनकी और मास्टर भैया लोग इधर ही है हमारे प्यार मास्टर थ्री स्टार के विशाल भैया, उसके बाद चांता राके मास्टर सुमित भाई और हमारे सागर भाई। सागर भाई कल क्या हो गया था अपने को? वो नहीं, उसके पहले मैंने तुमको बुलाया था, ध्यान नहीं था तुम्हारा शायद, भूख लग गई थी, खाना खाना था। बाकी थ्री स्टार का सेटअप, नया सेटअप देखते हैं, ड्रेस कोड भी नया, अभी एकदम गर्म ही काम है पूरा, गुलाबी पिंक पिंक गाड़ी सेटअप, नया सेटअप चेक करते हैं। और भैया रीति भैया क्या हाल है भाई? सब बढ़िया? नींद वगैरह हुई क्या पूरी? पूरी आराम से नींद आई। सेटअप चेक करो भाई, नया वाला प्लाईवुड का बना है पूरा, बीच में था नाम जो है वो लाइटिंग का, बाकी पूरा प्लाईवुड का है। कल का ही सेटअप पूरा, कल का बोले तो जितना कल था उससे थोड़ा कम है। यही थ्री स्टार के पास व्लॉग बना रहे थे अपन और यही तो अपने हजारीपाड़ा वाले भैया लोग भी मिले जो अपने व्लॉग देखते, कंटिन्यू देखते आप व्लॉग पसंद है? व्लॉग कैसे आए थे मेरे? सही सही बताओ, गेम मत लो पक्का ना। गुफरान भाई आज भी, गुफरान भाई तुम्हारा काम क्या है? गाड़ी चलाना है, ऐसा है, चलो ठीक है। बाकी थ्री स्टार एकदम गर्म है तो यही काम था, थ्री स्टार का काम है और फिर से अपने हजारी पाला भैया लोग पूरे। तो यही पे हजारीपाड़ में अभी संडल बंद हुआ था और हमारे सोनू भैया हमसे मुलाकात करने के भैया गरीब लोगों से, सबसे गरीब नहीं ना वो भाई ना, वैसे ही है। बाकी क्या होगा बोलते थे पता नहीं वो, बाकी चादर अभी दरगाह जाएंगे, आज से छावनी में चालू हुआ डायरेक्ट संडल। और हमारे थ्री स्टार दुमाल के दूसरे मैनेजर ऋतिक भी है, सॉरी अभय भी अभी यहाँ पे आ चुके हैं। अभी कैसा मजा है? आप अभी पहले से आए थे? पहले से आए थे कि बाद में आए थे? अभी आया थोड़ा देर। अच्छा, मजा है। अभी उधर छावनी से चलूंगा बोल रहे हैं। क्या हो बिल्कुल, तो अभी हम लोग पहुंच गए छावनी चौक में, छावनी चौक से अंदर चलूंगा। और हाँ अभी ये रिश्तेदार रात के अंदर चलूंगा सदर छावनी वाले चौक से। तो भाई इस तारीख 29 मार्च दिन खत्म हो गया, रात के 7:30 बजे हम पहुंचे थे पागलखाना शरीफ, मतलब राजस्थान दरगाह शरीफ जो कि पागलखाना के एकदम बाजू में मानकापुर में। तो अभी आगे उस चल रहा, तो आज हमारा वाइफ का प्रोग्राम था, हमने बाइक चालू किया हजारीपाड़ से और अभी यही पे लेके आए सामने दरगाह सामने, ये तो खत्म हुई पार्टी अभी 10:30 बजे। तो यही पे था दरगाह के बाहर और बंगाली पंजाबी वाले भाई लोग मिले थे, बंगाली पंजाबी है ना अपने एरिया, समीर स्टाइल वाले भाई लोग है ना, तो भाई लोग भी मिले थे, ये लोग भी अपना व्लॉग देखते यही पे मिले थे। और बाकी सब हालचाल ठीक है? और व्लॉग अच्छे लगते हैं मेरे? पक्का। चलो ठीक है, सपोर्ट रखो अपना, ठीक है, हमको भी अच्छा लगता है। थैंक यू भैया। बाकी अभी चलते अंदर, आऊँगा ना उधर।
उधर आती रहूंगा। तुम्हारे पार्टी हमारे तो उसमें लगाएंगे ना एक हाथ पर। लगाओ लगाओ, बुलाओ, आप बुलाओगे तो जरूर आएंगे हम लोग। वाड़ी में शायद पानी चालू है उधर, बहुत ज्यादा बारिश चालू उधर। हाँ दरगाह शॉट लेता मंदिर का भी। चलो हाँ मिलते बैनर देखो भाई, सरकार का कितना बड़ा है, कम से कम 30 से 40 फुट, 30 फुट तो है, 30 फुट का बैनर है सरकार का। और ये हमेशा रहता है शायद, हाँ मतलब परमानेंट परमानेंट है, बदलता है सिर्फ। बाकी इधर बाबा ताजुद्दीन दरगाह, बाकी ट्रस्ट से कुछ होगा प्रोग्राम वगैरह, बाकी ट्रस्ट से इधर दुकानें वगैरह लग गए, लंगर भी चालू इधर सामने में, और दरगाह लेते हैं ब्लॉग में। एक बात चेकूर यहाँ पे पूरे पेड़ पेड़ है दरगाह के बाजू में, तो दरगाह में ले नहीं सकता पूरा, बाकी ऊपर का सीन थोड़ा दिख रहा है यहाँ पे, बाहर से देखेंगे अपन, ट्राई करेंगे अगर दिखता हूँ तो। बाकी ये डेकोरेशन बहुत प्यारा लग रहा है, तो बस दरगाह की तरफ आए थे और बिहार लोग यहीं पे। विशाल भाई कैसे हो प्रोग्राम, इनको तो पूछना ही बेकार है, बजाय नहीं तो क्या पूछे बताएंगे, वो बजाय हम लाए ना, थोड़ा थोड़ा बहुत जैक मार के तासा बजा रहे थे, बाप रे इसलिए मैं बोला उधर आवाज कैसे आ रही, इधर चरक चरक पीछे। भाई विशाल भाई कैसे हो प्रोग्राम, एक नंबर का, काम तो एक नंबर ही रहता है ना, मैं भी कैसे पूछ रहा हूँ सवाल, साला गलत हो गया। हम लोग खाना खा के आगे गए उधर दरगाह तरफ, गए थे दरगाह में, गए उसके बाद दर्शन किए और खाना खा के भी आगे, तब तक अभी तक गाड़ी का काम हो गया हो गया हो गया, मुझे लगा गाड़ी का काम होने का शादी छूटने के। और भैया अब कब आओगे लाइटिंग लेके हमारी तरफ, जल्दी आएंगे और जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी और मचाएंगे, शायद 14 अप्रैल को आना पड़ेगा, 14 अप्रैल को आना पड़ेगा शायद, और मजबूत मचाना पड़ेगा, मजबूत। हाँ क्या हुआ आकाश भाऊ, बाकी शार्पी सभी खुल गए, अभी निकल जाएंगे गाड़ी शार्पी के लिए, रुके थे तब तक हम लोग खाना खा के आ गए। मैं भी अभी कुर्ती वर्ती चेंज कर लेता हूँ, शर्ट है, मैंने शर्ट पहन के आया था ना, तो फिर से कुर्ती निकाल के शर्ट पहन लेता हूँ और चलते कल हमारा टाकड़ का प्रोग्राम है, वो भी इसी ब्लॉग में कंटिन्यू कर लूँगा वो भी ब्लॉग। तो गाइज हम लोग पागलखाना दरगाह शरीफ से निकले थे और अभी हम लोग आए थे पुद्यारेश्वर राम मंदिर की तरफ, पुद्यारेश्वर राम मंदिर की तरफ जो है रामझूला के पास, तो हम लोग प्रोग्राम बजा के खाना वगैरह खाए, फिर अभी यहाँ पे आए थे, 12 बजने वाले, रामनवमी चालू होने वाली है, 30 तारीख लगने वाली है, तो यहाँ का सीन लेते हैं अभी 12 बजे का और फिर चलेंगे बाद में घर। चलो मंदिर बहुत प्यारा सजा लाइटिंग से, तो देखते हैं। तो गाइज मंदिर तो बंद चुका है, मंदिर का दरवाजा, बाकी आपने बाहर का लाइटिंग सीन देख ही लिया होगा, यही वाला सीन है अभी बाहर लाइटिंग का, राम जन्मोत्सव के लिए, जो रामनवमी के लिए तैयारी की गई, बाकी कल सुबह अगर हमारा आना होता तो हम आ जाएंगे। तो मंदिर बंद हो चुका था गाइज, हम आने तक के हम लेट भी आए ना, अभी 12:15 बज रहे तो वो टाइम हो गया, तो मंदिर बंद हो चुका था, हम अभी थोड़ी देर रुके, 12 बजते देखते कुछ विशेष होता है क्या 12 बजने पर, नहीं तो निकल जाएंगे घर की तरफ। फिर रात के 12 बजे यहाँ पे इतनी भयंकर भीड़ होगी, आप चेक करो ये बहुत भयंकर, पता नहीं बल कल क्या होगा। गाइस ये नागपुर का सबसे बड़ा राम मंदिर, और ये देखिए यहाँ के कार्यकर्ता, इनका नाम यतराज भाई है, बाकी सब कार्यकर्ता है, थैंक यू भाई, बस 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 हो गया।
एक झांकी है ये गाइस, कल के लिए ये सब। हम आज पूरा दिन केटीएम से घूम रहे गाइस, अभी हम यहीं पे थे मंदिर के पास, मंदिर के पास से निकले, अभी घर जाएंगे हम लोग सीधा। बाकी अभी चेक करो पब्लिक और बढ़ती जा रही है, 12 बजते ही फटाखों से थोड़ा नीचे शाखा से हुआ था, बाकी पब्लिक तो भी बढ़ती जा रही है मंदिर के पास। सामने रामझूला, रामझूला के पास ही ये मंदिर है। गाइस अभी हो गई सुबह, हम लोग रात को गए थे मंदिर की तरफ, राम मंदिर की तरफ। अभी हम लोग आए गुमगांव रोड पे ऑर्डर पे, हमारा प्रोग्राम है शादी का सवेरे, आज रामनवमी के दिन, तो सवेरे शादी का प्रोग्राम बजाएंगे, शाम को रामनवमी की रैली बजाएंगे टाकला घाट में। तो अभी हम लोग गए सुकड़ी गाँव में। भैया कौन सा गाँव है? सुकड़ी गुपचुप, सुकड़ी गुपचुप, ऐसा आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से। तो यहाँ शादी का प्रोग्राम बजाएंगे सवेरे और रात को टाकला घाट जाएंगे रामनवमी की रैली बजाने, ठीक है? तो व्लॉग में अभी देखने को मिलेगा। बाकी सामने गुमगांव मेन रोड पे अभी गाड़ी है, यही से चालू होंगी, सामने नक्षत्र लॉन करके वहाँ पे शादी है। अगर मोहसिन भैया है हमारे साथ घोड़े वाले, घोड़ा लेके आईफोन चमकारी भैया हमारा अपना वाला। अरे सोनू, कल के व्लॉग में मैं एक भी धमाल की वीडियो कवर नहीं कर सका गाइस, 3 स्टार और जय माता दी लगी थी अपनी वहाँ पे, तो अभी बस यही वाला सीन है। और वो इसलिए नहीं कर सका क्योंकि कल मेरा दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था। अक्षय भैया से पूछते, अक्षय भैया कल का प्रोग्राम कैसा रहा? उसी की वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा था। कल क्या हुआ था, हमारे जो पैड मास्टर है तेजस भाई रेगुलर वाले, वो थोड़ा गांव गए थे, तो दूसरे पैड मास्टर तेजस भाई आए थे हमारे तरफ चांतारा वाले, तो थोड़ा स्टार्टिंग में 19-20 काम हो गया था, बाद में ठीक हुआ सब। 5:30 बजे टाकलागढ़, उसके बाद हमने प्रोग्राम शुरू किया था और प्रोग्राम से आधा निपट आ गया और बहुत भयंकर प्रोग्राम हो रहा है। अनुभव भैया के ऐसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हो। बाकी अभी देखने मिलेगा अभी और आगे बाकी आपको सब कुछ
गाइस रात के 11 बजे से रात के अभी रामनवमी का दिन खत्म हो गया। रामनवमी हमने बजे टाकला काट लिया, बस बाजे बाजे रखने का काम चलता है। अभी गाड़ी में लेते मेन चौक से अभी निकलेंगे सीधा घर को। कल हमारा प्रोग्राम नहीं है चरण भैया। प्रोग्राम कब है अभी? नेक्स्ट तारीख प्रोग्राम है अभी 3 तारीख को भैया। 2 तारीख को भी प्रोग्राम है भैया। 2 तारीख का कैलेंडर पे लिखा नहीं था भैया है, इसलिए 2 तारीख का मेरा प्लान कैंसिल किया मैंने। डोंगरगढ़ का 2 तारीख का प्रोग्राम है, बाकी अभी निकलेंगे घर की। अनुभव भैया आप कुछ बोलना चाहोगे किस बारे में? आज के बारे में, आज दिन कैसा रहा? कुछ कैसा आज का दिन? अच्छा रहा। और अगर कुणाल भैया ने वीडियो बनाए होंगे तो आपको पब्लिक देख के समझ में आ जाएगा कि दिन सही में कैसा रहा। बहुत मजा आया। देखो काका कैसी पीछे से बैकग्राउंड से आवाज आ रही होंगी, है कि नहीं? तो काका थोड़ा टाइट है, बाकी मैं अभी गाड़ी के पास ही था और इनसे मिली। ये मुन्ना भाई, इनके इनसे मैं इंट्रोड्यूस करा था आपको। तो जो हमारे घर के पास आदित्य भैया रहते हैं, ये उनके बड़ी मम्मी के बेटे हैं। तो मुन्ना भाई आपको कैसा लगा हमारा प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम आपको बताऊँ क्या, तो बहुत दिल को छू जाने वाला आपका प्रोग्राम था। तो गाइस आपको एक बात बताने, मेरे को जो मेरा जो चैनल है द प्रोजेक्ट किंग, उसमें आप जाइए, अपना थोड़ा सपोर्ट दिखाइए प्लीज। हाँ, इतनी मेरी विनती है। चलो धन्यवाद, जय श्री राम। ठीक है, बीआई के चैनल में मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करिए। जय माता दी, कैसी बचती है? जय माता दी धूमल बोलो तो पूरा फाड़ू उनको, जबरदस्त मजा आई। क्या फिर आज मजा आई? बहुत मजा आई। चलो ठीक है,